कि बस थोड़ा बहुत लाइफ साथ प्यार होना है, ये मतलब है। लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं और मैं भी, हम लोग इतना वेट खा के पीते हैं, लेकिन आज मैं अपना बैग शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि मेरे पास डेली रूटीन में यूज़ करने के लिए क्या क्या कुछ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे पास हैंड फ्री मस्ट होती है। आप लोग हैंड फ्री मतलब ट्रैवलिंग करने या ट्रैवल करने या जो भी इस तरह का होता है उसमें आप लोगों को हैंड फ्री मस्ट होती है आप लोगों के पास। और सेकंड चार्जर मस्ट होता है कि आप लोगों का मोबाइल जब इंतहा का यूज़ करना है कि कोई डांट भी रहे तो भी मोबाइल यूज़ करना है, तो आप लोगों के पास चार्जर भी होना चाहिए। टिशू पेपर नेक्स्ट बार जाती है, ये टिशू पेपर अभी बहुत अच्छी हालत में निकले हैं बाहर, जब मतलब कि आम रूटीन में या गर्मी में या बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो तब जो टिशू पेपर का हाल हो रहा होता है, टिशू बॉक्स से निकाले या वैसे ही कोई पैक निकाले उसमें से एक निकाला या ज़्यादा टिशू पेपर बाहर आ गया तो उनको सारों को इसी तरह इकट्ठा करके बैग के अंदर रख लेना होता है। मतलब उसको किसी को देते हुए भी शर्म आ रही होती है कि पता नहीं अगला बंदा अपना यूज़ किया हुआ पेपर दे रहा है। टिशू पेपर होते हैं मस्त। परफ्यूम दूसरों के लिए नहीं जस्ट अपने लिए, मतलब कि अपने आप से कितनी स्मेल आ रही होती है गर्मी में लेकिन शावर लेने के बाद भी, तो परफ्यूम आप लोगों के पास मस्त होना चाहिए। इसकी बहुत अच्छी इसकी स्मेल भी है। और नेक्स्ट मेरे पास रोज़ वाटर आप लोग मतलब गर्मी हो या वैसे आप लोग 15 मिनट 20 मिनट के बाद अगर आप स्प्रे इसका करते रहते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि मज़ा आता है इसके पास स्प्रे करके। और सेकंड हमारे पास यहाँ पे लिपस्टिक इतनी ज़्यादा डार्क नहीं, मतलब लाइट सा शेड इसका, मतलब लाइट सा इतना ज़्यादा नहीं, लाइट पिंक कलर, ये भी पिंक कलर है अगर आप देख रहे हो तो ये पिंक कलर की लिपस्टिक, लाइट पिंक कलर डेली रूटीन में मतलब यूज़ हो जाती है। अगर आप लोगों के पास कोई और शेड रखना भूल गए अपना जो आप लोगों ने लगाया हुआ है, जैसे अब मैंने ब्राउन लगाया हुआ है तो मेरे अगर बैग में पिंक होगी तो मैं वो भी लगा लूँगी, मतलब लाइट सा शेड है ये भी। और सेकेंड कंघा आपके पास होना ज़रूरी है, कंघी करनी है, जारी बात है आप लोगों ने जब बाल खोले हैं या बाल खुले हुए हैं या कोई हेयर स्टाइल कर आप लोगों ने बनाया हुआ है तो आप लोगों ने अगर स्ट्रेट करनी है तो बाल को जिस तरह करें तो आप लोगों को कंघा भी रखना चाहिए और होना चाहिए। लिखने पढ़ने का कोई खास शौक नहीं है लेकिन फिर भी बॉल पेन बाल वगैरह कोई का पेन पॉइंटर चलता है बैग में होता है। और नेक्स्ट मेरे पास है नोट पैड, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होता, इसमें जस्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वैसे लिखी हुई है और डेली रूटीन में अगर कोई इस तरह का काम करना है जो बहुत ऑटोमेटिक ये भूल जाएगा तो वो मैं इस पर नोट कर लेती होती हूँ और ये साथ होती है, मतलब कि ये इतनी ज़्यादा नहीं इसमें लिखा हुआ लेकिन मोबाइल पर लिख लेते होते हैं वैसे तो, लेकिन ये भी साथ होती है, इसमें भी कुछ ना कुछ लिखा होता है कहीं ना कहीं। और कीज़ ड्रॉ की कीज़ होती हैं वो मस्त होती हैं मेरे पास, और जाहिर बात है अपनी प्राइवेसी भी होती है कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। चॉकलेट्स मतलब होती हैं बैग में बबल्स और चॉकलेट्स, तो मतलब चॉकलेट फेवरेट है, मतलब कि भूख लगी है कुछ भी है चॉकलेट ले लिया तो गुजारा हो गया। और कुछ डेज तो ऐसे होते थे मतलब इतनी रूटीन बन चुकी थी कि रात को अगर चॉकलेट मतलब कुछ भी नहीं खाया चॉकलेट का बना या कोई आइसक्रीम यूज़ किया या वैसे कॉर्नेटो या कोई डेयरी मिल्क वगैरह नहीं यूज़ किया या कोई और तो भी नींद नहीं आती थी इतना ज़्यादा हो गया था। और मेकअप इतना ज़्यादा नहीं बस एक पैक मतलब ये यूज़ कर लिया, इसमें आप लोगों मेरे पास मतलब ये होता है मुझे कि इसके अंदर मेरे पास सब शेड्स हैं, मतलब नशम भी इसके अंदर आ जाएगा मेरे पास और सारे मतलब ग्लिटर शेड्स भी हैं वो सब पैलेट, मतलब ये मुझे मेरा फेवरेट भी है और इसमें ब्रशिंग वगैरह हाइलाइटर वगैरह वो सब कुछ है, इसलिए ज़्यादा मतलब वो वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है कि एक पैलेट का खाया हुआ ब्रशिंग का एक हाइलाइटर का खाया हुआ वो सब चीज़ें नहीं होती। और सेकेंड और लोशन ज़रूरी है पाँव पे मस्त, मतलब कि अगर मैं कहीं बैठी भी हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि पाँव पे मेरे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है तो कि मैंने लोशन मस्त लगा लेना था जल्दी। और मेरे पास यहाँ पे सैनिटाइज़र भी और नेल पेंट कोई कलर हो या ना हो, रेड नेल पेंट मतलब हर एक कैसा चल जाता तो रेड मेरे पास आम पड़ा होता है पैर पर, रेड या मैरून शेड होती है, मैरून शेड अब पता नहीं बैग से निकलता है कि नहीं निकलता लेकिन रेड वाला मस्त होता है। और लेंस कैरी करती हूँ तो इसलिए उसका केस जो है वो भी मस्त मतलब होता है बैग में कि कहीं भी अगर इरीटेशन हो रही है जाहिर बात है लाइट्स में या वैसे ही कहीं बाहर गए डस्ट वगैरह की वजह से तो केस होना ज़रूरी है।
मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पास सब कुछ क्या क्या होता है और मैं मतलब ओवरऑल